पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जबान जो एसपीओबी शामिल हैं इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कॉन्स्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फ़ख्र महसूस करें कि ये अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फ़ायदा लेते हुए बाहर की टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे। तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है और हम पूरा डिटरमिंड है इस बात का कि आवाम के साथ और बाकी साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, J&K पुलिस जो है वो आवाम के साथ मिलकर, इनको पहले भी शिकस्त दी है, इनको पता है कि ये किसी के नहीं हैं, कोई कानून के दायरे में नहीं है। इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने भेड़ू खा के पैसे नहीं देंगे, थोड़े ही दिन की बात है। इन्होंने अपने पूरी जो है रंग में उतर आएंगे और लोगों को तरसाएंगे और फिर लोग दबी आवाज़ में इसको सहने लगेंगे। ये वाली स्थिति पैदा करने की जो कोशिश है इनकी, ये और नहीं हो सकता है। इसमें आवाम हमारी साथ है, हम इनको निपट लेंगे। सर, आपने बॉर्डर बटालियन बनाई तो कितना फ़ायदा आपको बॉर्डर बटालियन से? अब आगे दिनों में तो पता चलेगा, अभी तो लड़कों ने अभी बॉर्डर पे गए हैं, मतलब वो तो एकदम से फ्रंट पे नहीं जाते हैं, वो पीछे रहते हैं। उनका एक ड्यूटी एक और तरीके की है जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाने पर एकदम से रिएक्ट करना, लोगों के साथ बना के एक माहौल बनाना, तो बाकी विलेज डिफेंस ग्रुप या इस तरीके की एक तंत्र बना के, एक सिस्टम बना के जिसमें गुजरने से कोई अगर जाता है तो उसके लिए काम कठिन कर देना कि घुसे तो घुसने के बाद तुरंत पकड़ा जाए या फिर जाने में उसको इतनी तकलीफ हो जाए कि वो सोचे ना कि यहाँ। द टैक्टिक्स और द स्ट्रैटेजी कैनॉट बी डिस्कस्ड इन एन ओपन फोरम लाइक दिस एज टू हाउ विल यू गो, और यू कैन ओनली आस्क मी अबाउट द ब्रॉडर कमिटमेंट एंड द डिटर्मिनेशन एंड if that is the question and then you rest assured that the determination is there, the coordination and the interoperability of the forces, Jammu and Kashmir police and its partners, security partners is there, and the people and the VDG and the SPOs, all of it is there. So therefore it is only a question of time when they will start getting killed and they will start getting eliminated.